नमस्ते बच्चों, मैं मुनी कुमार, जीके जैन स्कूल की हिंदी अध्यापिका। आज आपके लिए लेकर आई सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ए की मात्रा। इसके पहले हम लोगों ने सीखा था आ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा और री की मात्रा। इसके पहले मैंने इसका पुनः अवलोकन रिवीजन वीडियो भी बनाया, प्लीज जाकर उसे चेक कर लीजिएगा। और आज हम सीखने जा रहे हैं ए की मात्रा। तो चलिए बच्चों, आज हम सीखते हैं ए की मात्रा की। ए की मात्रा क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है और उसके कैसे यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि ए की मात्रा हम पढ़ने जा रहे हैं आज। इसका सिंबल एक पाई होता है जो कि ऊपर की तरफ होता है। ठीक है बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने सीखा था कि साइड में होता है, नीचे की साइड में मात्राएँ होती हैं, नीचे मात्राएँ होती हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कि वर्ण के ऊपर मात्राएँ लगती हैं, ठीक है, जिसे हम ए की मात्रा कहते हैं। चलिए पहले इस परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। अक्षर के ऊपर ए की मात्रा जोड़ने पर उस मात्रा, उस अक्षर का उच्चारण ए की ध्वनि के साथ होता है। जैसे क प्लस ए के, स प्लस ए से, ब प्लस ए बे। तो देखा अपने बच्चों की बोल रहे हैं यहाँ पर कि अक्षर के ऊपर यदि इस तरह की मात्रा लगाई जाए तो उसे हम एकारांत के साथ पढ़ते हैं, एक ही मात्रा के साथ पढ़ते हैं। जैसे कि ने, छे, ले, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो चलिए इससे संबंधित हम वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। तो पहले देखिए, स प्लस ए से ब, से ब सेब। सेब का अर्थ होता है एप्पल, जिसे कि हमें डेली खाना चाहिए, एक फ्रूट है जिससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो से ब से। नेक्स्ट है हमारा क रे, र प्लस ए रे, ल प्लस आ ला, क रे ला, करेला। करेला का अर्थ होता है बिटर गार्ड, जो कि खाने में कड़वा रहता है, हरी सब्जियों में ये गिना जाता है और बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, हमारा खून साफ करता है, इसलिए कड़वा रहता है फिर भी हमें खाना चाहिए बच्चों। तो करेला रोज़ खाइए, रोज़ ना सही तो कम से कम हफ्ते में एक बार खाइए ताकि आपका खून साफ कर सके। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा करेला, इसमें भी एक ही मात्रा लगा है। एक ही मात्रा जहाँ जहाँ भी लगे हैं उसे मैंने रेड से हाईलाइट किया ताकि आप उसे आसानी से समझ सके, पढ़ सके। नेक्स्ट है हमारा प प्लस ए, पेड़ का अर्थ होता है ट्री, जो कि आमतौर पर कहीं भी देखे जा सकते हैं, पेड़। नेक्स्ट हमारा म प्लस ए, मेज का अर्थ होता है टेबल, मेज का अर्थ होता है टेबल, जो कि स्कूल में होते हैं, घरों में भी होते हैं, जिस पर सामान रखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ड प्लस ए, डे, र प्लस आ रा, डे रा, डेरा। डेरा का अर्थ होता है टेंट, टेंट मतलब बच्चों कपड़े, एक टेंट होता है जिसे हम कहीं भी बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं जंगलों में या फिर पिकनिक के तौर पर, तब हम वहाँ पर अक्सर टेंट लगाकर बैठते हैं। जैसे हमने टीवी में देखा होगा कि टेंट कैसे लगता है, तो ये हमारा टेंट है जो कि अस्थायी रूप से एक घर होता है, छोटा सा घर होता है जिसमें हम रात गुजारने के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारा क प्लस ए, के, ल प्लस आ ला, के ला, के ला। केला का अर्थ होता है बनाना, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद होता है, ये बहुत ही अच्छा फल होता है, इसे 5 प्रकार के विटामिन्स मिलते हैं, इसे हमें डेली खाना चाहिए ताकि हमारा पाचन अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है हमारा ख प्लस ए, खेत, खेत, खेत। खेत आपने देखा होगा गाँव में कि खेत में फसल उगाए जाते हैं, तरह तरह की फसल होते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, अब तरह तरह के अनाज होते हैं जहाँ पर वहाँ पर उगाए जाते हैं, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं फील्ड, खेत। तो नेक्स्ट है हमारा ठ प्लस ए, ठे, ल प्लस आ ला, ठेला। ठ प्लस ए, ठे, ल प्लस आ ला, ठेला, ठेला। ट्रॉली, अक्सर हमने देखा होगा कि ठेले पर मजदूर लोग कुछ सामान उठा कर लेके जाते हैं या फिर सब्जियां बेचने आया जाता है, तो ठेले का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है र प्लस ए, रे, ल, रेल। तो रेल, रेल, तो रेलगाड़ी आपने देखा होगा बच्चों का, हमेशा नानी के घर जाते समय हम इसका उपयोग करते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल होता है गांव जाने के लिए,
और होप इस बार की गर्मियों की छुट्टी में आप इसे मिस कर रहे होंगे क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए आप इसे मिस कर रहे हैं, पर जल्दी ही खुलने वाला है, घबराइए मत। नेक्स्ट है हमारा स प्लस व, स प्लस व, व प्लस ए, वे रा, स वे रा, स वे रा, सवेरा का अर्थ होता है सुबह, मॉर्निंग। तो ये थे हमारे ए से बनने वाले कुछ शब्द, होप आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे जोड़े जाते हैं और कैसे पढ़े जाते हैं। जैसे सेब, सेब, करेला, करेला, पेड़, पेड़, मेज, मेज, डेरा, डेरा, केला, केला, खेत, खेत, ठेला, ठेला, रेल, रेल, सवेरा, सवेरा। तो अब हम चलते हैं इसके बुक एक्सरसाइजेस की ओर। तो ये हमारे बुक एक्सरसाइज जो कि वर्ण और मात्रा जोड़कर शब्द लिखो दिया गया है कि हमें वर्ण भी जोड़ना है और मात्रा भी जोड़ना है, उसके बाद हमें शब्द बनाना है। तो श प्लस ए पहला दिया गया है, श प्लस ए, शेर, शेर, शेर का अर्थ होता है बच्चों लायन, जो कि जंगल का राजा होता है और जंगली जानवरों में गिना जाता है, शेर, शेर, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट हमारा र प्लस ए, रे, रे, त, रेत, र प्लस ए, रे, त, रेत, रेत का अर्थ होता है बच्चों बालू, जो कि घर बनाने में उपयोगी होता है, रेगिस्तान में अधिकतर मिलता है, जिसे इंग्लिश में हम सैंड बोलते हैं, राइट। उसके बाद क प्लस ए, के, र, ल, के, र, ल, केरल, जो कि एक राज्य का नाम है, केरल, केरल हमारे भारत के दक्षिणी कोने में है, केरल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है क प्लस ए, के, व, ल, केवल, केवल का अर्थ होता है ओनली, केवल, एक ही एक, केवल, ओनली, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा न प्लस ए, ने, त प्लस आ, ता, नेता, नेता का अर्थ होता है लीडर, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे वर्ड्स कैसे लिखे जाते हैं, कैसे वर्ण जोड़े जाते हैं और मात्राएं जोड़कर लिखी जाती हैं। तो ये सब आप अपने कॉपी में प्लीज़ पॉज कर करके लिखते जाइएगा, क्योंकि यही हमारा क्लासवर्क भी होने वाले हैं, और अर्थ समझकर आप लिखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, ताकि आप ये वर्ड्स भी भूलें ना। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, एक ही मात्रा एक और जगह अधिकतर यूज़ किया जाता है, जो कि है वचन बदलों में बच्चों। वचन बदलों का अर्थ होता है एक, मतलब एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो इसमें हम वचन बदलों सीखने वाले, क्योंकि इसमें अधिकतर एक ही मात्राएं का यूज़ होता है। तो जैसे बात, ठीक है, बहुत बार बातें करते तो टीचर्स बोलते हैं ना, बहुत बातें करने लगे हो तो बातें, 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 यहाँ पर एक बिंदी लगा देना है, तो हमें एक ही मात्रा और बिंदी, बातें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है केला, एक केला रहता है तो एक केला पढ़ते हैं, और जब बहुत सारे केला होता है तो हमें उसे केला नहीं बोलते बल्कि केले, केले, ठीक है बच्चों, केले, एक ही मात्रा। नेक्स्ट ठेला, ठेले, 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 ठीक है बच्चों। तो हम कहाँ कहाँ एक ही मात्रा यूज़ करें, यही उसका ये है कि बेटा, बेटा, अगर एक बेटा है तो हम एक बेटा बोलते हैं, अगर दो तीन बेटा है तो हम उसे बेटे बोलते हैं, ना कि बेटा बोलते हैं, बेटे, बेटे, जैसे कि आपके कितने बेटे हैं, ऐसे जब हम पूछते हैं तो बेटे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट रात, रात, यहाँ पर हो गया राते, रातें, रात, रातें, ठीक है बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट लेटर में ही हम एक ही मात्रा लगा रहे हैं, प्लस एक एक बिंदी लगा दे रहे हैं, रातें। तो इस तरह वचन बदलो पूरा होता है। नेक्स्ट हमारा दुकान, दुकान, तो इसका बहुवचन होगा दुकाने, दुकाने। तो इस तरह हमारा एक ही मात्रा यूज होता है वचन बदलों में भी, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं शब्द बनाइए, ये अक्सर हम लोगों ने सीख लिया है, आपको भी ईजी लगता होगा। तो चलिए इसे कंप्लीट कर देते जल्दी से, खेल, खेल, राइट, खेल, खेल। नेक्स्ट हमारा तेल, तेल,
तेल का मतलब ऑयल होता है, खेल का मतलब कोई भी प्ले होता है। मेल 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 जो जैसे मिलना जुलना बोलते हैं इसको मेल। नेक्स्ट जे ल जेल, जे ल यदि कोई गलती कोई करता है तो उसे पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है, वही जेल। नेक्स्ट रे ल रेल, रे ल रेल। तो ये थे हमारे शब्द बनाइए कि किस तरह हमें जोड़कर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सही मिलान कीजिए। तो एक तरफ पिक्चर्स के पिक्चर्स दिए जाएंगे, एक तरफ आपको इनके नाम दिए जाएंगे, तो आपको सही पिक्चर्स के साथ सही नाम को मिलान करना है, ठीक है बच्चों। तो पहला हमारा है, क्या है ये बच्चों पहचानिए इसे, ये है शेर, जंगल का राजा। तो शेर कहाँ लिखा हुआ है बच्चों, देखिए ये क्या है, पढ़िए पढ़ने की कोशिश करिए। भेड़ भेड़, मेज मेज, शेर शेर, राइट। तो यहाँ शेर लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमें यहाँ इसे मैच करना है, ठीक है बच्चों, मिलान करना है, इसे हमें मिलाना है उसके सही नाम के साथ। नेक्स्ट है ये क्या है बच्चों, पहचानिए इसे, इसके शरीर पर ऊन है जिससे हमें ऊन मिलता है, इसके बाल से क्या बोलते हैं इसे, भेड़, राइट। तो यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग ही भेड़ भेड़ है, राइट। तो हम यहाँ पर यहाँ इसे मिला देते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेज, मेज मेज। तो इस तरह हम लोगों ने सही मिलान कर लिया है। चित्रों के नाम अक्सर सही मिलान के तौर पर पूछे जाते हैं, या फिर चित्रों के नाम लिखिए इस तरह भी पूछे जा सकते हैं। तो ये किस चीज़ का चित्र है बच्चों, ये सवेरे का समय है, तो यहाँ हम लिखेंगे सवेरा, सवेरा, ये हमारा एक ही मात्रा आ गया। नेक्स्ट इस पिक्चर का नाम क्या है बच्चों, से ब से, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। तो ध्यान रखिएगा अब से मैं कभी भी कोई भी पिक्चर्स नेम जब भी पढ़ाया जाए तो पिक्चर्स नेम को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी से संबंधित आपको सही मिलान भी पूछे जा सकते हैं और चित्रों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, प्लस आपको मीनिंग्स इन इंग्लिश अंग्रेजी में अर्थ लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, जब भी पढ़े कॉपी और पेन नोट हाथ में ले लीजिए और उसे नोट करते जाइए, तभी आपके दिमाग में रजिस्टर होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे एक ही मात्रा, होप आप समझ गए होंगे कि एक ही मात्रा कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। इसके बाद हम सीखेंगे आई की मात्रा, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।